हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 6.3। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको सोल्व करेंगे। अगर आपको इस पूरी एक्सरसाइज के जो है वीडियो चाहिए होंगे तो प्लेलिस्ट का बटन लिंक जो आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके इस चैप्टर को और बाकी चैप्टर्स के वीडियो आप देख सकते हो। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये हमें डायग्राम दे रखा है। इसमें बोलता है एंगल एक्स जो है तो वो है 62 डिग्री का, वाई एक्स वाई जेड मतलब पूरा एंगल वाई जो है ये 54 डिग्री का। अब इसमें जो वाई ओ और जेड ओ जो है वो बाइसेक्टर हैं, तो बाइसेक्टर का मतलब जो दो बराबर हिस्सों में बांटता हो। तो ये जो है इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, उसी तरह से ओ जेड जो लाइन है इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो ये एंगल का बाइसेक्टर है जो मैंने अभी बता दिया। तो बोलता है निकालना हमें क्या है, ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा मैंने, हमें जो फाइंड आउट करना है एक एंगल ओ जेड वाई निकालना है और उसके बाद वाई ओ जेड निकालना है ये वाला। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ किस तरह से हम करेंगे। तो देखिए ये ट्राइंगल है, तो ओ जेड वाई जो है इस ट्राइंगल का ओ वाई जेड का एंगल है। तो पहले अगर हम इस पूरे एंगल को निकाल देंगे जो कि है ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एंगल, और उसके बाद क्योंकि ये बाइसेक्ट करिए तो इस एंगल का आधा कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब हमें ये एंगल पता चल गया, पहला हिस्सा ख़त्म। अब दूसरे में हमें वाई ओ जेड मतलब ये एंगल निकालना है, तो भाई 54 का आधा जो हो जाएगा उस इस ट्राइंगल का ये एंगल आ जाएगा। इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे, तो देखिए स्टेप कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि पहले हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड इसमें करेंगे थे, तो इसमें हमें एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो क्यों, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो थ्योरम जो हमारे पास 6.7 है तो उससे हो जाएगा। एंगल एक्स जो हमारे पास वो 62 डिग्री का दे रखा है, तो एंगल एक्स की जगह आ जाएगा 62, वाई 54 है और जेड तो हमें निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 62 प्लस 54 तो ये आ जाएगा 62 प्लस 54 6 और 11 तो 116 डिग्री आ जाएगा। अब 116 जब लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो एंगल जेड हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116, इसमें से माइनस करने पे आएगा 64 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल जो आ गया ये आया 64 डिग्री का। अब हमें चाहिए ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई जो है वो है हाफ एंगल एक्स जेड वाई का। तो रीज़न है ओ जेड इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, तो इसलिए आधा हो जाएगा। और ये एक्स जेड वाई जो है वो मतलब जेड ही है, तो वो निकला हमारा 64 डिग्री का। तो ओ जेड वाई जो हो जाएगा आधा हो जाएगा इसका 64 का, तो ये आएगा 32 डिग्री का। तो अब ये वाला एंगल जो हमारे पास आ गया ये आ गया 32 डिग्री का, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल ओ वाई जेड ओ वाई जेड भी हो जाएगा आधा एंगल एक्स वाई जेड का। तो एक्स वाई जेड जो हुआ है 54, इसका आधा हो जाएगा 27, तो ये भी आ गया 27। अब इस ट्राइंगल में देखिए ओ वाई जेड में हमें दो एंगल पता चल गए, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ वाई जेड इसमें तीन एंगल का सम जो है वो है इसमें ओ वाई जेड प्लस में वाई ओ जेड प्लस में ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ वाई जेड जो हुआ 27 डिग्री का, वाई ओ जेड जो हो जाएगा वो तो हमें निकालना ही है, और तीसरा एंगल जो हुआ 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 27 प्लस 32 7 9 5 59 डिग्री का आ गया, तो ये हो जाएगा
59 डिग्री प्लस में एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री का ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा 180 माइनस 59, तो 180 में से 59 माइनस हुआ तो बचेगा 121, तो ये भी निकल गया 121 डिग्री का। तो बस यही था इसमें जो निकालना था, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।